हेलो फ्रेंड्स, एसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत सुंदर डिजाइन बताऊंगी। इसको आप किसी भी जैकेट में, कार्डिगन में, स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक में डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन लगेगा। और ये इस प्रकार से बनाना है। ये 8 फंदों से बनाया गया है। ये देखिए आप, फर्स्ट वाला फंदा स्लिप कीजिए और सेकंड और थर्ड वाला फंदा एक साथ बुनिए इस प्रकार से। अब 3 फंदे सिंपल बुनिए, 1 2 3। 3 फंदे सिंपल बुनिए, फिर धागा आगे किए और ये फंदा सिंपल बुनिए, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे फिर बुने। अब देखिए, ये 3 फंदे एक साथ लेंगे, लेकिन इन 2 फंदों को हम चेंज करेंगे। ये पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे जाएगा और बीच वाला फंदा हमारे इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये 3 फंदे एक साथ लेंगे ऐसे पीछे की साइड। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 फंदों का 1 बनाया है। ये डिजाइन यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी कि एक डिब्बी हमारी यहाँ से यहाँ तक बनेगी। अब इसके आगे दूसरी डिब्बी आएगी, वो दूसरी डिब्बी का 1 फंदा हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दिया। तो अब इसके आगे कैसे करेंगे, 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे सिंपल बुने, धागा आगे किया, इस 1 फंदे पर जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर यहाँ पर फिर जाली डालेंगे, 1 2 3। 3 फंदे फिर सिंपल बुने। अब फिर इसी प्रकार से यहाँ 3 फंदे का 1 करेंगे। अगर हमारी 2 जाली बढ़ाई गई हैं तो हमें 2 जाली 2 फंदे कम करने होंगे, क्योंकि 2 जाली से 2 फंदे बनते हैं। और इस प्रकार से ये देखिए, 3 फंदों का 1 बना। अब 3 फंदे फिर आगे के, 1 2 3। इस फंदे का हमारा यहाँ पर एक फंदा बन गया। अब यहां आकर हम जाली बना सकते हैं। ये इन फंदों को हम सिंपल बुन सकते हैं। यहां 2 का 1 करेंगे, यहां 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे के साथ यहां पर आकर हमें एक जाली बनानी होगी। और आगे इसी प्रकार से ये डिजाइन बढ़ता जाएगा। देखिए, इस प्रकार से बनाया है ये। पहले ही हमने यहाँ पर 2 का 1 किया, 3 फंदे सिंपल बुने, एक जाली डाली, फिर सिंपल फंदा, फिर एक जाली डाली, एक जाली। इस फंदे को कम किया तो यहाँ पर जाली बन गई, इस फंदे को कम किया तो यहाँ पर जाली बन गई। ये डिब्बी यहाँ से यहाँ तक बनी और ये दूसरी डिब्बी यहाँ से यहाँ तक बनी। तो इस डिब्बी का भाग अधूरा है। इसको आगे बनाने के लिए हमें आगे और फंदे डालने होंगे, इसलिए आप यहाँ से यहाँ तक बनाइए। 2 डिब्बी हमारी ये चलेंगी। अब आगे कैसे बनाएं ये देखिए आप। ये देखिए, उल्टी साइड उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। इसको आप फ्रॉक में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं। बहुत इजी है और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद।
इसी में भी आप टू कलर की पट्टियां डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड से धागा लगाइए, ये देखिए। अब यहां पर हमने टू जाली बनाई है, वन जाली और बनाकर दिखाते हैं, ये देखिए। अब ये टू फंदे हम एक साथ लेंगे फर्स्ट में ही, क्योंकि यहां पर हमारा फंदा बढ़ जाता है, तो फर्स्ट में इस डिजाइन को चलाने के लिए फर्स्ट में ही हमें टू का वन करना है। टू थ्री, थ्री फंदे सिंपल बुनेंगे, धागा आगे किया, जाली के ऊपर ही जाली डालनी है जिससे हमारी लाइन सीधी बनी रहेगी। वन टू थ्री, अब ये थ्री फंदे एक साथ ऐसे, बीच वाले फंदे को ऊपर रखिए जिससे चैन बहुत ही सुंदर बनेगी इस प्रकार से। वन टू थ्री, ये देखिए। ये थ्री फंदे बुने। अब यहां पर अगर डिब्बी को आगे नहीं बढ़ाना तो आप यहाँ पर टू का वन कर सकते हैं और इन फंदों को सिंपल बुन सकते हैं, लेकिन हम अगर डिब्बी आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पर थ्री फंदों का वन करना पड़ेगा, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर थ्री फंदे सिंपल बुनेंगे और यहाँ जाली डालेंगे, ये देखिए। जाली के ऊपर ही जाली डालेंगे, लेकिन ये जाली हमारी किनारी पर बनती है, तो यहाँ हम इन फंदों को सिंपल बुन सकते हैं। ये रॉन्ग साइड इसी प्रकार सभी सिलाइयाँ बराबर निकलेंगी, उल्टा उल्टे में कुछ नहीं करना है, सिंपल बुनने हैं। इस प्रकार सिंपल बुनेंगे, ये देखिए। ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। आप जाली और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हमने थ्री जाली कंप्लीट की है यहाँ पर, आप यहाँ पर फोर डालिए, फाइव डालिए, जितनी पट्टी चौड़ी बनाना चाहें उतनी पट्टी चौड़ी बना सकते हैं, और फिर इसके ऊपर हम इस प्रकार से बनाएंगे उल्टा उल्टा ऐसे, पूरी रो उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। फोर रो हम इसी प्रकार से बनाएंगे, नहीं फंदा घटाना है और ना ही हमें कहीं बढ़ाना है, इस प्रकार से डिब्बी बनाएंगे। और बाकी आप हमारा फोटो थंबनेल में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जैकेट बनी है इस प्रकार का डिजाइन बनाकर। ऐसे उल्टी उल्टी आप फोर रो डालिए और फिर से इसी प्रकार से इस डिजाइन को स्टार्ट कीजिए जैसे यहाँ पर किया है। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।